अरे हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल देंगे जी। अजी ये नहीं बताया था कि झोले में पूरे देश का पैसा होगा। बात सामने आ गई है और ऐसी बात सामने आई है कि दिमाग चकरा जाएगा, और इस एंगल से कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। खुलासा बहुत बड़ा हुआ है, केजरीवाल ने बड़ा खुलासा कर दिया। केजरीवाल ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने उनको बताया कि अदानी के पास जो पैसा है वो पैसा किसी और का नहीं, खुद मोदी का है। अदानी तो सिर्फ फ्रंट पर है, पीछे सारा पैसा मोदी का है। अरे यार, बहुत सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। पीएम केयर फंड के नाम पर जो पूरी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया, बाद में बाबा जी का टुल्लू जनता को दिखा दिया गया, कोर्ट में जाकर कहा कि इस पे जनता का अधिकार नहीं है, सरकार का अधिकार नहीं है। न जनता का वो पैसा है, न सरकार का वो पैसा है, फिर वो है किस आदमी का? अब समझे आप? हाँ, तो मामला बजाय इधर उधर करने के मैं सीधा आपको बताने जा रहा हूं। और सदन में केजरीवाल ने एक एक चीज खुलकर बोली है और समझाई है, और जो केजरीवाल ने बोला है इन सभी खबरों को सबूत के साथ मैं पिछले एक साल से दिखा चुका हूं, लगातार दिखाता हूं। दूसरी तरफ आपसे ये कहना है, नेशनल प्राइम टाइम लगातार हमारी डिलीट करवाई जा रही है, इसलिए जैसे ही अपलोड सुबह हम 10:30 बजे इसको करते हैं तुरंत आप देख लिया कीजिए। कभी वीडियो उड़ाई जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है। सच बोलने वाले के साथ क्या होता है, राहुल गांधी को तो पूरी तरह से बेघर कर दिया है। वो तो एक इतना बड़ा आदमी होके, इतना नामी गरामी शख्स होके, जब ये उसको बेघर कर सकते हैं तो हमको तो वो बेदुनिया कर सकते हैं, हमको तो गायब कर देंगे भाई साहब, समझो। कभी चैनल उड़ाने की बातें होने लगती हैं, कभी कुछ। देखो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी और खुशी की खबर आपको सुना रहा हूं। जल्द आपके सामने रजाग्राफी की वेबसाइट, न्यूज़ वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर और काफ़ी काम पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द आपके सामने जो है रजाग्राफी की ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च होगी, और बहुत बड़े लेवल पर हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और अगर उसका भी कुछ बेड़ा गर्क आगे खुदा नखास्ता कर दिया तो उनको क्या लगता है कि हम बेरोज़गार में? नहीं 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 नहीं, आपसे कोई उम्मीद है नहीं। बहुत मैं सब्जी बेच लूँगा, आलू ले, गोभी ले, बैंगन ले, टिंडा ले, करेली ले, सोया ले, धनिया ले, भाई साहब पूरी ट्रेनिंग है, मुझे टेंशन मत लो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चलिए दोस्तों, अब सीधा सीधा मुद्दे की बात करते हैं। जरा सुनिए केजरीवाल की बात, दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे आप। वहाँ पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, तो उसने कहा जी राजापाक्षा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इसराइल गए, इसराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी, भाई प्राइवेट प्लेयर आके लो। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते, आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। समझे, सारा खेल समझ में आ गया। अब आते हैं मेन मुद्दों पर, वो जो खबर टाइटल पर नहीं लिख सकता था, क्योंकि अक्सर मैं टाइटल पर लिख देता हूं तो संघी
ऐसे बैठ कर देखते हैं, अच्छा ये टाइटल या थंबनेल पर ऐसा लिखा है, ओ मोची ची के खिलाफ हमारा एजेंडा ही एक्सपोज कर रहा है, तो वो सीधा कंप्लेंट डालते हैं। और कंप्लेंट क्या डालेंगे, खुद मोदी जी के मतलब समय ना डिपार्टमेंट वाले खुद ही देखते, इसलिए हमने टाइटल पर ये बात नहीं लिखी थी, हम भी जो है उनसे तेज चल रहे हैं, थंबनेल पर हमने ये खबर नहीं लिखी। अब खबर जो सुनाना शुरू कर रहा हूँ वो मेन खबरें हैं। वो हमारे साथ खेल रहे हैं, उनके साथ खेलेंगे, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, अब खेलेंगे हम। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज। दोस्तों दिल्ली में, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दिन दहाड़े नवरात्रि के नाम पर मुसलमान दुकानों को जाकर बंद करवा रहा है। जो मीट की दुकानें हैं, विनोद नगर दिल्ली का ये मामला आपके सामने है। बीजेपी काउंसलर रविंद्र सिंह नेगी जबरदस्ती मुसलमानों को धमका कर दुकानें उनकी बंद कर रहा है और बंद करवा दी है। ये भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकाया जा रहा है। ये सारा चीज हो जाएगा अभी, दो मिनट सब बंद करे, नवरात्र तो बंद रखो दुकान को भाई, और ये कल से लेकर नौवीं तक जितने भी दुकान है, नवरात्रों में नौवीं तक बिल्कुल परहेज करना आपने, ठीक है, और लाइसेंस ऊपर चिपकाना अपना, निवेदन है मेरा, हाथ जोड़ गई है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं आपसे प्यार से इंसान इससे कह रहा हूँ, नवरात्रों में बंद रखो बाकी। और अभी नवरात्र का समय है, दुकानों को आदेश कर रखे कि हम नवरात्रों दुकानें बंद रखें, सब मीट वालों को आदेश है कि दुकान बंद रखें नवरात्रों में। हाँ जी बंद ही है, वो हमने सामान निकाला, बंद कर दो नवरात्रों में दुकान, नवरात्रों में दुकान नहीं खुलेगी, वो नहीं खुला है ना, हमने वो सामान निकाला। हाँ तो कोई नहीं, शटर भी ना बंद कर, नवरात्रों में कोई भी मीट शॉप नवरात्रों में इस वार्ड में नहीं खुलेगी, ठीक है, इसे बंद करो, फटर नीचे करो उसका, और वो कह देना बिल्कुल नवरात्र नहीं खोलना, हाँ बिल्कुल नहीं खुलेगी, वहां नवरात्र में बंद रहेगी दुकान, आदेश है बोल देना, फिर फटर नीचे करो, नवरात्र बिल्कुल नहीं खोलोगे दुकान, ठीक है, तीन लग जाएंगे क्या फायदा, हाँ नवरात्र में नहीं खोलो, नवरात्र बाद खोलो आप आराम से, कोई तुमसे दिक्कत नहीं हमारी, पर नवरात्रों में नहीं खुलेगी, ठीक है जी, भाई नवरात्रों में नहीं खुलना, निवेदन 358 दिन काम करो, नवरात्रों में नहीं, नवरात्रों नहीं तो दोस्तों आपने सुना देखा, गुंडागर्दी पुलिस को साथ लेकर किया जा रहा है, यानी सरकारी तंत्र पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं और याद दहानी करना चाहता हूं।
एक तरफ मुसलमानों का बायकॉट किया जा रहा है कि मुसलमानों का बहिष्कार करो, मुसलमानों का कोई साजो सामान मत लो, उनसे कोई खरीदारी ही मत करो, लो ही मत सामान। दूसरी तरफ रमजान पाक में जब ईद का मौका आने वाला है, जब सबसे ज्यादा मार्केटों में भीड़ होती है, ऐसे दौरान मुसलमानों की दुकानें बंद भी करवाई जा रही हैं। अबे भाई तुम कर तो रहे हो बायकॉट, तुमसे वो बायकॉट कामयाब तुमसे नहीं हो रहा है, तो अब तुम खुद जाके गुंडागिरी दादागिरी दिखा रहे हो। तो आप देखिए दोनों तरह से किस तरह से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब इनका आधार क्या है कि नवरात्र चल रहे हैं जी, तो मीट मच्छी की दुकानें बंद करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नवरात्र में हिंदू मीट मच्छी नहीं खाते हैं तो मुसलमानों को दुकान बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसे तो मोदी सरकार से मैं कान खोल के कहना चाहता हूं, सुन लो, पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सारे के सारे दिन, यानी सुबह के 6 बजे से शाम के 6-7 बजे तक सारे देश की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान रोजे से होते हैं, हम कुछ खा नहीं सकते। अब आप कहोगे अच्छा रोजा तेरा है, मार्केट क्यों जा रहा है फिर, आंखें बंद कर ले, मत देख, बर्दाश्त कर। तो सुअर, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, यही काम तुम्हें करना चाहिए। अरे तुम नहीं खाते तो मत खाओ, कोई तुम्हारे मुंह में डाल रहा है क्या, ले आके लो मीट मच्छी खाओ। आंख बंद करके भी निकल सकते हो, मुंह फेर के निकल सकते हो, किसी की दुकान किसी की रोजी रोटी उजाड़ना भी ये कौन सा धर्म है भाई। लेकिन नहीं, गुंडागर्दी खुलकर हो रही है, मुसलमानों को मारना, मस्जिदों पर हमले होना, पहले पथराव हो रहा, सब एक एक स्टेप के साथ हो रहा है। पहले मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी होने लगती थी, और ये नारा दिया किसने था, देश के गद्दारों को गोली मारो। आज जो बहुत बड़े मिनिस्टर बैठ गए हैं और आज वो हेट स्पीच पर बयान देते हैं, ये हेट स्पीच है, राहुल गांधी तो ऐसे भड़काऊ बयान, अरे वो वैसी तो भड़का। अच्छा आप तो खुद हेट स्पीच दे दे के इतनी बड़ी गद्दी पाए हैं और आज जो है हेट स्पीच पर ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि पहले मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जाती लगी, फिर उसके बाद मुसलमानों के मस्जिदों पर हमला होने लगा, पथराव होने लगा, जितने भी त्यौहार इनके अभी पिछले गुजरे हैं देखिए आप, फिर उसके बाद अब क्या होने लगा, मस्जिद के अंदर घुस के जब मुसलमान सब्र करने लगा, कोई बात नहीं पत्थर फेंकने फेंकने दो, हमें हम कुछ नहीं करेंगे, सब्र का यह नतीजा हुआ कि जब मुसलमान खामोश रहा तो मस्जिद के अंदर घुस के तलावत कुरान पढ़ने वाले एक चुपचाप जो अपने मस्जिद के अंदर इमाम कुरान पढ़ रहा है उससे बोलते हैं बोल जय श्री राम, वो नहीं बोलते तो बाहर ले आकर मार मार कर उनको अधमरा कर देते हैं, दाढ़ी काट देते हैं। ये सब क्रोनोलॉजी सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, ये सब कुछ सरकारी तौर से हो रहा है। इससे पहले कि आप कुछ आगे और सोचें और संघी ये लिखे नीचे कि नहीं नहीं ये तो झूठ है, तो आइए अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो सोशल मीडिया पर खासकर ट्विटर पर ट्रेंड कर गया और ये देर रात कल वायरल हुआ, जिसमें सरकारी आतंक मुसलमानों के खिलाफ कितना बढ़ गया है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत कितनी बढ़ गई है साफ नजर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि मुंबई का यह वीडियो है, एक बूढ़ा शख्स रोजे की हालत में हाथ में डॉक्यूमेंट लेके चीख रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी पर बिल्डोजर ना चलाओ, कोर्ट का आदेश मेरे पास है। और महिला अधिकारी जो अपने आप को कंगना रनावत से कम नहीं समझ रही है और पापा की परी से कम नहीं समझ रही हैं, अपने आप को किसी मॉडल से कम नहीं समझ रही हैं, ये अधिकारी हैं सरकारी अधिकारी। और बदतमीजी की इंतहा, घृणा की इंतहा ये है कि वो उस बूढ़े शख्स से कह रही हैं कि यहां बिल्डोजर राज है, मैं कोर्ट ऑर्डर नहीं मानती, अपने मुंह से वो बोल रही और आप सुनेंगे, मैं कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती, बुलडोजर का राज है, चला कर मानेंगे। तो आप ये समझिए कि हर संस्था के अंदर, हर दफ्तर और हर अधिकारी के अंदर,
हर प्रशासन के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है, ये उसका आज के दौर में लाइव एग्जांपल है। वो बोलते हैं खंडी वाली नहीं है। ये आप गवर्नमेंट क्या क्या वोट का ऑर्डर है, वोट में हूँ मैं, वोट में हूँ मैं। देख लिया कितनी ज्यादा मुसलमानों से नफरत है, और इसी को देखकर बहुसंख्यक समाज के लोग खुश होते हैं। अरे यार यार ये आदमी यार कितनी बार दिल, अरे मोदी जी कितनी बार दिल जीत हो गए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब लाइव एग्जांपल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मध्य प्रदेश में अस्पताल के अंदर का ये हाल देखिए, बिजली नहीं है, है? और देखिए पेशेंट कैसे बेड पर पड़ा है, डॉक्टर अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में उसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ही भाजपा का कार्यालय देखिए, ओए होए क्या ही कहना भाई, राजा का ठाट बाट तो भाई अलग ही लेवल का है, लेकिन जनता को ये सब नहीं दिख रहा है, खासकर अंधभक्तों को तो नजर ही नहीं आ रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और सबूत रख रहा हूं आपके सामने। शाहरुख खान से इतनी नफरत, जबकि कितना देश में जहर बोया गया, उसकी शर्मगाह का एक बाल तक कोई उखाड़ नहीं पाया। ये सारे संतरी अपने आप को ही छील कर नंगे हो गए, लेकिन बायकॉट पठान कामयाब ना हुआ। पठान इतनी हिट हुई कि इनके सारे छेद बंद हो गए। इसके बावजूद अब ट्विटर पर, आपको बता रहा हूं किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ ट्विटर का इस्तेमाल किया जा रहा है नफरत फैलाने के लिए। ट्विटर इसको अलाउ कर रहा है, प्रशासन इसको अलाउ कर रहा है, और देखने के बाद भी इग्नोर कर रहा है। मेरी जितनी वीडियो उड़ाओगे मैं उतना घातक होऊंगा, भाजपाइयों से कहना चाह रहा हूं, उड़ाई देना दो वीडियो और अब खुल के बोलूंगा। अब आपके सामने ट्विटर का एक स्पेस शेयर करने वाला हूं, जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए और जॉम्बी टाइप के लोग शाहरुख खान के परिवार को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। हमारी एनएसजी, हमारी कमांडो, हमारा सब कुछ है, इसका क्या काम, इसे गोली मार दो, पाकिस्तान का एजेंट है। ऐसी बातें कि आप चकराने लगेंगे, और प्रशासन, सरकार, मुंबई पुलिस इन सबको अलाउ कर रही है।
देखिए मुरब्बा दो। अच्छा किसी को खाना बंद हो गया। अच्छा गौरव जी आपको इस बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होगा या अर्जुन भाई आपको इन्फॉर्मेशन होगा इस बारे में, इसका इसकी बहन शायद पाकिस्तान में रहती है और इसके चाचा भी पाकिस्तान में रहते हैं भाई, इसकी ज्यादा मुझे पता नहीं है। नहीं 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 सही बोल रहे बिल्कुल, इसका बाप पेशावर से था। पेशावर से था वो भी आतंकवादी होगा फिर। वहाँ पेशाव करता है। भोसड़ी वाले ने ये भी बोला है, इस भोसड़ी वाले ने ये भी बोला है कि मेरे को पाकिस्तान में ज्यादा प्रेम मिलता है इंडिया से। ओ तो यहाँ के अपनी माँ चौधरी भोसड़ी के जा वहीं पे भोसड़ी के, फिर वो पठानों वाला प्रेम मिलता होगा ना इसको। पीछे वाला पीछे से लेते हैं प्यार वही, वैसा ही उसको भाई वैसा चाहिए। हम तो कहते हैं भाई अपने एनएसजी को लगा दो, एक मिशन लगा दो मन्नत पे भाई, ऑपरेशन चालू करो भाई, अलकायदा का बंदा है भाई हमारे देश में, उड़ा दो इसको। आगे तलहा आ गया आपका, ऐसे देशद्रोही को भाई हमारे देश में जीने का हक नहीं है, और इसके परिवार को जला दो। सुनो भाई, हेलो। हाँ चल बोल। अरे मादर चोद तू प्राइम मिनिस्टर है क्या तेरी सुनू का बहन के लंबे। देखो तलहा हम समझ गए तुम पाकिस्तान से हो पाकिस्तानी, देखो तुम्हारा प्रेम एसआरके के लिए है, हम नहीं चाहते वो हमारे देश में रहे, तुम उसको ले जा सकते हो अपने वतन में पाकिस्तान में, ठीक है हम खुश है उसी में, यहाँ पे हम तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहते, तुम एक काम करो एक ट्रेन चलाओ एसआरके पाकिस्तान जाओ। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जिसे हम मोहब्बत करते थे जिसे हम पसंद भी करते थे अचानक से वो अपने चेहरे से नकाब हटा रहा है और अंदर से मुसलमानों के खिलाफ एक घिनौना चेहरा उसका सामने आ रहा है, जिसमें जिस संस्था की मैं बड़ी कद्र करता था खुदा की कसम लंदन टॉप, उनके काम करने का तरीका बोलने का तरीका अंदाज सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में मुझे शक होता था ऐसी ऐसी बातें जब ये करते थे। अब इसके थंबनेल से आप समझिए, ये देखिए इस्लामिक जिहाद को कैसे कुचल रहा इज़राइल, 22.2 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने के बाद अब ये किस प्रकार से इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडा चला रहे हैं, इस थंबनेल के अलावा आपको और कोई सबूत दिखाने की और आपको देखने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, देखना बंद कर दीजिए, रिपोर्ट कीजिए, दिमाग आपका खुद है आप किसे सपोर्ट करते हैं और किसको नहीं। हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स के चैनल को सब्सक्राइब करने में मुसलमानों की उंगली में दर्द होता है और ऐसे लोगों को यूं सब्सक्राइब करते हैं, क्रोनोलॉजी आपके अंदर भी है। भाई साहब भगवान के नाम पे मंदिर के नाम पर सिर्फ खेल चल रहा है और हमारे हिंदू भाई आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। अब आप सोचिए कि त्रिपुरा बालाजी मंदिर पर जुर्माना डाल दिया है, गृह मंत्रालय ने फलाने हैं तो मुमकिन है जिसको बोलते हो उन्हीं के गृह मंत्रालय ने 3.19 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब बोले कोई एंटी हिंदू बीजेपी, अब बोल के दिखाओ, अब नहीं बोल, यही काम अगर दूसरी पार्टी करती हो मुद्दा चुनावी मुद्दा हो जाता। सेना से कोई सवाल करते ओ हो हमारी सेना के खिलाफ गद्दार, विदेश मंत्री से कुछ अच्छा हमारे विदेश मंत्री सवाल का गद्दार कहेंगे, आएगा तो मोदी अच्छा, और ये अपमान नहीं तो क्या है, इसको अपमान भी समझिए, ये देखिए इसको अपमान भी समझिए और गोदी मीडिया का ऐलान भी समझिए, एक तरह से सरकार खुद ऐलान कर रही है कि देखिए इस तस्वीर में द इंडिया मूवमेंट लिखा है, आप ये देखिए स्पेशल इशू जो इंडिया टुडे ने किया है उसमें मोदी को सबसे आगे रखा है, तो यानी जो प्रधानमंत्री है वो सबसे ऊपर है, उसके पीछे गृह मंत्री है और उसी के पीछे भारत के चीफ जस्टिस हैं, हाँ, और उनके पीछे भारत के विदेश मंत्री हैं और सबसे पीछे उधर देखिए इंडियन आर्मी के चीफ, बस यही सच्चाई है। इसी पोस्टर में सब साफ हो गया
कि मोदी से आगे मोदी से ऊपर कोई नहीं है। इंडियन आर्मी का क्या ये अपमान नहीं? हमारे भारत के विदेश मंत्री का ये क्या अपमान नहीं? अरे न्यायाधीश का ये क्या अपमान नहीं? लेकिन ये उन्हें समझ में आएगा जो गोबर और पेशाब से दूर रहते हों। हकीकत ये है, पूरे भारत को भारतीय जनता पार्टी ने बेवकूफ बनाया और खुद ही डायलॉग दिया था मोदी जी ने, तो जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो सौ बार। अब देखिए दोस्तों, एक बाबा हैं, बाबा रामदेव हैं, कभी वो शलवारबाज बाबा हुआ करते थे, शलवार पहन के भाग गए थे, फरार हो गए थे, वो सारी खबरें चली थी। लेकिन अब मोदी जी का ऐसा उनको आशीर्वाद मिला कि अब वो एकदम आसमान पर उड़ रहे हैं धोती पहन के। अब उन्हीं का वो बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा। अब किस तरह से उस शख्स ने पलटी मारी और उस शख्स का जो नया बयान दिखाने जा रहा हूं, इससे आप ये समझ लीजिए कि जब इतना बड़ा शख्स, एक संत, अपनी जबान से पलट सकता है, तो फिर जो 15 लाख का झूठा उसने बोल दिया था, वादा कर दिया था, वो कोई फिर बड़ी बात नहीं है। काले धन पर बाबा रामदेव कुमार विश्वास के शो पर उनसे क्या कह गए? अच्छा स्वामी जी, एक सवाल आपसे आजकल हर लोग पूछते हैं, जहाज में पूछते हैं, शोज में पूछते हैं, आपसे ये जनता भी पूछना चाह रही है। अब आप बता दीजिए 4.5 साल हो गए, कब आ रहा है? फाइनली बता दीजिए स्वामी जी, आपको पता होगा, मुझे पता है आपको पता होगा। नहीं मैं समझा नहीं। देखिए दो लोगों ने वादा किया था, एक ने अच्छे दिन था, एक ने काले दिन। मैं समाधि में चला गया। इस सवाल को सुनकर आजकल सब समाधि में जा रहे हैं, पर आप नहीं जाएंगे, आप तो साधु हैं। कब आ रहा है काला धन? क्या जुगाड़, मतलब असली बात क्या हुई है? हमको भी आपके साथ बड़ी उम्मीद थी कि आएगा। मैंने काले धन के सारे आंकड़े दिए, मैंने काले धन की सारी रिपोर्टें और उनके खजानों के एड्रेस भी दे दिए, लेकिन जब मैंने देखा कि जिनको लिए है उनके काला में तो बहुत बड़ा घोटाला है, तो मैंने वो धन को छोड़ करके तन और मन पर काम करना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत इज्जत करता हूं हमारे गृह मंत्री की, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की। उनका एक बयान आया है भाई, दिल जीत लिया बयान ने। गृह मंत्री बता रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी देश का कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। सुनिए, एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? एक अनपढ़ आदमी भाइयों बहनों, अरे आपके बात यहाँ किसकी, आपके पास तो डिग्री है, डिग्री है ना पार्ले जी का, वो उसका कौन सा जो भी है, आपके पास डिग्री है। हाँ तो अच्छा छोड़ो, गुस्सा हो गया तो चैनल ही उड़वा देंगे। दोस्तों उधर जानबूझकर ऐसी टोली, ऐसी मंडली तैयार की गई है कि वो पांचों उंगली से सिर्फ एक ही बटन दबाएं भारतीय जनता पार्टी का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुबह उठने से पहले उनको मैसेज भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद दोपहर में भेजा जाता है, दिन भर यही सब चलता रहता है। अब जो गवार है या जाए पढ़ा लिखा, इतने उनको कहानियां सुनाई जाती है, जो पढ़ा लिखा होता है, अच्छा यार ऐसा भी हो सकता है यार, और यार ये तो पता ही नहीं था, आज मेरे ज्ञान में जो है इजाफा हो गया। और जो बिल्कुल जाहिल था वो व्हाट्सएप चलाकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके सोचता है, अरे यार अच्छा वो मैं नहीं पढ़ा, इतना बढ़िया ज्ञान हमें बीजेपी के आईटी सेल से मिल रहा है यार, ऐसा ही होता है। फिर अंधभक्तों का सड़कों पर क्या हाल होता है देखिए। और आपको कौन नेता पसंद है ये बताइए पहले। हमें तो योगी जी पसंद है। आया मोदी जी? हाँ मोदी जी भी पसंद है। और कोई विपक्ष वाले जो है? विपक्ष में मुझे कोई नहीं पसंद है। तो ये बताइए 2024 में क्या होगा, हमारी सरकार आएगी बीजेपी की? आप बीजेपी के? हाँ। कहाँ है आप बीजेपी में? गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। विकास किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्या किया हमारी? देखिए राम जन्मभूमि
के बेस पर लोग बार बार चुनाव लड़ते हैं और उसको मुद्दा बना बना के बार बार लड़ाई करते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जब बीजेपी आई है तो उसने राम जन्मभूमि को ये चुनाव का मुद्दा ना बना करके उसको उसने एग्री करके उसको स्टे दिया कि हाँ कोर्ट का फैसला है, उसमें पार्टी क्या करेगी, पार्टी भी उसमें शामिल रहती है। तब इसी तरह कोर्ट का फैसला राहुल गांधी में आया तब कहे कि पार्टी भी शामिल है। देख रहे ना, ये होता है सुबह सुबह पेशाब सूंघ लो और गुड़ चाट लो बासी मुंह, तो ये होता है। माफ कीजिएगा जिन लोगों का रोजा है, लेकिन आपको पता है कि ये बोलना जरूरी है। ये देश में इतना कुछ हो रहा है कि आप कर क्या, बोल ही तो सकते हो तो यार बोलने दो कम से कम। है मेरा भी है रोजा, टेंशन मत लो, लेकिन ये वक्त समझ रहा है, ये इतिहास लिखा जाएगा कि उन्होंने हमें मारा, पीटा, जहर फैलाया, कत्ल किया और हम सिर्फ बोल रहे थे। हर दिन मुसलमानों को मारने और काटने की तैयारी चल रही है, जमीन पर अब वो सब शुरू हो चुका है। मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ते हुए मौलवी को पीटा जा रहा है, घर के अंदर अगर 20 से 25 लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो उन पर फाइन ठोक दिया जा रहा है, नमाज बैन करवा दी जा रही है। ये देखिए अब गुजरात के ऊना में, ये देखिए गुंडों की पूरी एक सेना तैयार की जा रही है, हथियारबंद आतंकियों की एक सेना तैयार की जा रही है। अब सवाल करना चाहूंगा, अगर ये जो हाथों में हथियार और त्रिशूल लेके विश्व हिंदू परिषद के गुंडे जो भारत के संविधान के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, अगर ये हिंदू की जगह अगर ये टोपी वाले होते तो क्या होता? अजी बवाल होता, बवाल। यही तो खौफ है मियां भाई का, ये पूरे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जितनी रैली निकाल रहे हैं, जितने हथियार चमका रहे हैं, एक मुसलमान दो रकत नमाज अगर एयरपोर्ट की खाली जगह पर पढ़ ले हिल कर रह जाते हैं सब। भौकाल है मियां भाई का, तुम्हारी औकात यही है, दो रकत नमाज से दहल जाते हो। मुसलमानों के खिलाफ बहुसंख्यक समाज के दिलों में नफरत और जहर की इंतहा यह है कि अब ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में तीसरी चौथी मंजिल जो पूरी तरह से खाली थी, मेंटेनेंस का जो बंदा मुस्लिम था उसने तरावी की नमाज जो सिर्फ कुछ दिन पढ़ी जाती है तंबू लगाकर, ये देखिए तंबू वहां टेंट लगा दिया था जहां पर जिस फ्लोर पर कोई आता भी नहीं था और वहां पर नमाज की व्यवस्था की थी। आपको बता दूं कि कॉलोनी और अपार्टमेंट के लोगों को पसंद नहीं आया। अब यहां पर अगर अपने जुमलों को सही करूं तो कॉलोनी और अपार्टमेंट के लोगों को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लीजिए जो संघ से जुड़ा होगा वो दंग से जुड़ा होगा, जिन्हें दंगा करना है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया और फिर वही हुआ जो पुलिस करती है, और इस वक्त जब से मोदी सरकार आई है उसको एक स्पेशल टास्क दिया गया है, मुसलमानों को हरेस करना। यही तो हुआ, फिर स्टेटमेंट तो खैर पुलिस ने जारी किया है, दोनों लगा रहा हूँ आपके सामने, आपको व्हाट्सएप चैट लगेगी, लेकिन ये पुलिस का स्टेटमेंट है। पुलिस ने जानकारी दी है कि वहाँ के आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए उक्त प्रकरण में संबंध में थाना बिसरख क्षेत्रागत सुपर टेक इनकोविलेज 2 सोसाइटी के कमर्शियल पार्किंग के ऊपर तीसरी मंजिल पर खाली पड़े ध्यान दीजिए, चारों तरफ बंद रूम में खाली भी पड़ा था सोसाइटी के ही रहने वाले 30 से 40 मुस्लिम व्यक्ति नमाज अदा कर रहे थे। सूचना पर थाना बिसरख पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जानकारी दी गई तो हिंदू समुदाय का कहना है कि हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग नमाज अदा कर रहे हैं उनमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अन्य सोसाइटी के 6-7 लोग नमाज अदा करने आ रहे हैं, इस पर हमें आपत्ति है। अरे भैया आपत्ति बाहर के लोग पर क्यों भैया, क्या वो पाकिस्तान से आके नमाज पढ़ रहे थे 6-7 लोग? लेकिन यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी समझिए, प्रशासन हो या वो सोसाइटी के हिंदू समाज के लोग हों, सिर्फ उन्हें मुसलमानों को परेशान ही करना है, और यही होगा अगर मुसलमान खामोश रहे, जुल्म के खिलाफ विरोध नहीं किया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहां देखिए दोस्तों नवरात्रि की सेलिब्रेशन, और दूसरी देखिए दोस्तों सब
कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है पब्लिक प्लेस में, अपार्टमेंट के एंट्रेंस में। होली खेली जा रही है, देखिए होली का फेस्टिवल नोएडा में। दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला ये नफरत है और इसी को सरकारी नफरत कही जाती है। इस बात को समझ लीजिए और दनादन इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दोस्तों आप खुद देखिए, जिस इलाके, जिस आंगन में, जिस ग्राउंड में होली बड़े खुशी से खेली जाती है, नवरात्र माशाल्लाह बहुत खुशी से मनाए जाते हैं, सारे हिंदू त्यौहार बढ़िया होते हैं, लेकिन उसी ग्राउंड में अगर ग्राउंड के कोने में दो रकत मुस्लिम नमाज पढ़ ले, सब दहल जाते हैं, सबकी आहत हो जाती है भावना। भाई मेरा एक दोस्त है, इतना बड़ा पनौती है, इतना बड़ा पनौती है, ससुर के साथ जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। अब मान लो कहीं गए, कहीं घूमने गए, दोस्त मेरा हिलाल है एक, उसके साथ किसी पार्क गए तो ससुर पार्क बंद, नई नई गाड़ी ली, मैंने कहा भाई तू चला ले, गाड़ी बंद। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसके साथ हुई हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि ये पनौती है, मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पनौती से समझता था, लेकिन भाई साहब अब मेरी आँख खुली कि नहीं भाई इससे बड़ा भी है कोई। कुछ वक्त पहले तेंदुआ लाया गया, कौन लेके आया नाम नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स खुद समझो, और भाई साहब नेशनल मीडिया पर जोर जोर से पूरे हफ्ते प्राइम टाइम चला गया। पहली बार भारत के इतिहास में अलान जगह से फलान व्यक्ति धमाक लेके आया, चार तेंदुए लेके और जंगल में छोड़ा, जंगल में छोड़ने का उसका फोटो और वीडियो खूब चलाया गया। भाई साहब दिमाग में दर्द कर दिया, कितना टाइम हुआ, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ ना, हाँ, नर तेंदुआ का इंतकाल हो गया, मर गया। ये देखिए भाई साहब, देखिए मेरी पनौती वाली बात से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है, चीते के मुंह का हवाई जहाज बनाया गया, अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दिया गया, टीवी पर कई दिन चीता गाथा गाई गई, 70 साल बाद चीता आने की नई नई कहानियां सुनाई गई, फिर उसके बाद कूनों में आकर खुद चीता किसी ने छोड़ा और वो आज जो चीता जो मादा थी मर गई। इंतकाल हो गया, कैसे हो गया नहीं पता, आपके सामने है। इस पर कोई मेरे दोस्त को कोई पनौती नहीं कहेगा, मेरा दोस्त हिलाल है उसको कोई पनौती, उसको सिर्फ मैं कह सकता हूँ आर यू कॉमेडी मी। पूरा तंत्र मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। आपके सामने एक दिल को हिला देने वाली खबर, रुला देने वाली खबर, जामिया हिंसा केस आपको याद होगा, शर्जील इमाम और सफूरा जरगर समेत 9 आरोपियों को हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है, ट्रायल कोर्ट का फैसला ही पलट दिया है। कोर्ट ने 11 लोगों को बरी करने की निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। निचली अदालत ने बरी कर दिया था तो न जाने किसका फोन ऊपरी अदालत को चला गया, जहां पर पूरे उस फैसले को बदल दिया गया। तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिखो, आसमान पे हम इनकलाब लिखेंगे। जो अंधभक्त हैं वो पूरे अंधे हैं और जिनकी आंख खुल जा रही है वो पूरी तरह से हमसे ज्यादा जाग चुके हैं। लखनऊ के एक चच्चा हैं जिनकी एक वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने आप को पूर्व भाजपा के बेहतरीन समर्थक बताते हैं। इनकी बात सुनिए, शायद आपके दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो दूर हो जाए। आपने रिपोर्ट की, कौन सी खिलाफत की थी, आपने एक FIR तक नहीं लिखाई, सिर्फ जाने दो सरकारी आदमी, पता नहीं उठा के बंद करते, क्यों डरते हैं आप लोग इन मीडिया वाले, क्यों डरते हैं सरकारों से आप लोग, और क्यों नहीं सवाल करते उस दिल्ली में जो बैठा है 9 साल से, आप लोगों के सामने नहीं आना चाहता, और कौन सा पाखंड चल रहा है ये इस वक्त, राहुल गांधी से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं पूर्व BJP कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है, उसकी सदस्यता छीनना कहाँ की ये इंसानियत है, और क्या कर लिया उसने, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसने झूठ बोला क्या, दो मोदियों को भगाने के लिए तीसरा नरेंद्र मोदी तो था, तो उसने क्या कहा कि क्या मोदी जाति वाले क्या सारे चोरी होते हैं, तो क्या गलत उसने कहा, और वैसे भी चोर चोर मोथेरे भाई, दो को तुमने भगाया वो मोदी थे,
और तुम भगाने वाले मोदी थे, कहते क्या हो देश के प्रधानमंत्री, और तुमने कभी भी प्रधानमंत्री नहीं कहा 8-9 सालों में, कभी तुम चौकीदार हो जाते हो कभी तुम। अरे बस 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 चचा चचा, अरे चचा को रुको यार, कोई चचा मुंह पे मास्क लगा लेते, ये बात भूलने से पहले तुम्हारी तो जानकारी भी अच्छे से भाजपा वालों के पास होगी, उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो भैया, बिल्डोजर चल गया तो होगा को आपका है, इतना नहीं चचा इतना नहीं। दोस्तों अब मुसलमान बच्चों से हमेशा मैं जो समझाने की बात करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वो ये आप दिल बेचैन है ना आपका रजा भाई, फिर क्या करें, इतनी नफरत हो रही है, इतनी हमसे हिकारत से, हमारे लिए बहुत टफ कंपटीशन है, बच्चों के लिए और ज़्यादा मुश्किल है मुसलमानों के लिए, लेकिन हमको फोकस रहना है। हमारा हथियार हमेशा से तलवार कभी नहीं रही, तलवार तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उठाई है जब हम पर हमला हो गया, जब दुश्मन ने हमला कर दिया, वरना कभी खंदक खोद कर खुद को दुश्मनों से दूर रखने की कोशिश की कि लड़ने की नौबत ना आए। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इल्म सबसे बड़ा हथियार हमारे इस इस्लाम का रहा है, जो कहते हैं ना तलवार से और उससे फैला इस्लाम नहीं, इल्म से फैला है। आज मुसलमान जो करते हैं तबलीग, जो जमात जो निकलती है तबलीग, उसको कहते हैं तबलीग, लोगों को समझाना, सही रास्ते पर लेके आना, इल्म से। क्या तलवार लेके जाते हैं और चल चल नमाज पढ़ने चल हैं, गर्दन काट देंगे तेरी, ऐसा करते हैं नहीं करते ना, तो इल्म। तो आज के तमाम मुसलमान बच्चों से यही कहूँगा, भाई अगर इन सभी नफरतिया चिंटुओं को जवाब देना है ना, इल्म से देना है। अब कैसे, अब आपको लाइव एग्जांपल दो, ये देखिए, मुस्लिम लड़की है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसी ऐप बनाई है जो आईफोन यूजर्स इस्तेमाल करके आंखों की तमाम बीमारी पता लगा सकते हैं, और 70% इनकी ऐप बिल्कुल सही काम कर रही है, ये खुद सरकार भी कह चुकी है, नाम है लीना रफीक, खतरनाक कोडर हैं, कोडिंग जानती हैं, और जबरदस्त तरीके से इन्होंने एआई बना लिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया के तमाम अखबारों में आप इसकी खबर देख तो लेंगे लीना रफीक की, लेकिन नाम नहीं बताया गया कहीं भी हेडलाइन में। लेकिन अगर लीना रफीक की जगह लक्ष्मी राणा होता तो नाम टाइटल पे होता, लक्ष्मी राणा हैज डेवलप्ड एआई ऐप, मतलब कुछ ऐसा जरूर होता लक्ष्मी राणा, लेकिन यहां पर लीना रफीक है ना, इसलिए नाम को गायब कर दिया गया है। लेकिन देखिए दबा तब भी नहीं पाए, खबर छापनी पड़ी, यह है आज की लाइव मिसाल। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, खुद का नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।